राजस्थान के श्री गंगानगर में सेना की जिप्सी के साथ हुए हादसे में कौशाम्बी का लाल भी शहीद हो गया। यूपी के कौशाम्बी में रहने वाले जवान अजीत शुक्ला साल 2003 में सेना में भर्ती हुए थे। दरअसल गुरुवार को श्री गंगानगर में सेना के जवानों से भरी जिप्सी पलट गई। इस हादसे में सेना के 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। हादसे के बाद जिप्सी में आग भी लग गई थी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब सेना के जवान ट्रेनिंग खत्म कर कैंपस वापस आ रहे थे। अजीत शुक्ला की मौत की खबर के बाद उनके गांव में सन्नाटा पसर गया। 2 दिन के लंबे इंतजार के बाद तिरंगे में लिपटा शव घर पहुंचा तो पिता, पत्नी व बच्चों के आंसू नहीं थमे। जवान के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे बीजेपी विधायक ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद अजीत शुक्ला की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें अजीत शुक्ला अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगे। अजीत शुक्ला का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। भाई साहब, मेरा बेटा पंजाब भटिंडा में पोस्ट रहे, उसके बाद युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज राजस्थान में गए हुए थे। वहीं पर हादसा होने के कारण, गाड़ी पलट जाने के कारण हादसा हुई। हादसे में वीर को शहीद हो गए। आपको बता दें, 2009 में अजीत की शादी प्राची शुक्ला के साथ हुई थी। अजीत के 2 बच्चे हैं, 12 साल का आदि और 5 साल की रिद्धि। अजीत पंजाब के भटिंडा में तैनात थे। JCO के पद पर अजीत का प्रमोशन होना था। इसके लिए अजीत शुक्ला राजस्थान के श्रीगंगानगर में ट्रेनिंग लेने गए थे। न्यूज़ डेस्क।